أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِلِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرزتم لهن فريضة فنصف ما فرزتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة المصطفى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم لا ला عليكم कोई गुनाह नहीं है तुम पर इन तलक तन्नसा अगर तुम औरतों को तलाक़ दे दो मालम त उस ज़माने में जिस ज़माने में तुमने उनको छुआ नहीं है उनको मस नहीं किया हाथ नहीं लगाया अव तफ रिजोलहन्ना या तुमने मुकर्रर नहीं किया उनके लिए फरीज़तन हक महर वमतीन्ना और तुम उनको जोड़ा दो कपड़ों का कपड़ों का जोड़ा दो नफ़ा दो आलमोसी वसात वाले पर वसी अंदाज़ में कदारूहू उसके अंदाजे का जोड़ा है वालल मुख्तरी कदारूहू और तंगदस्त पर गरीब पर उसके अंदाजे के मुताबिक नफ़ा देना है मताम बिलमाफ और ये देना है आमदगी के साथ ये नफा नफ़ादगी के साथ पहुँचाना है हक्न अलमोहसिन और ये नेक लोगों पर अल्लाह की जानिब से हक है अल्लाह ताला ने नेक लोगों के जिम्मे यह हक लगा दिया है व इन तलक तुमो हन्ना और अगर तुमने तलाक दी उन औरतों को मिन कबली अंतमसुन्ना तुमने उनको अभी हाथ नहीं लगाया वरज़ तुम लहुन्ना और तुम उनके लिए हक महर भी मुतिन कर चुके हो फरीज़ वतन से मुराद हक महर है फनस्फ़ माफ़ रोस तुम फिर नसफ़ है आधा है उस चीज़ में जिसको तुम मुक़र कर चुके हो इल्ला न मगर ये कि वो औरतें माफ़ कर दें औो याफो वल बद हीत निकाँ या वो आदमी माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है यानी शोहर माफ़ कर दे व अनताफ़ू और ए मर दो तुम माफ़ कर दो अकरबुल तकवा ये ज़्यादा करीब है तकवा के वनसवुलफ़ल बीना कुम और तुम न भूलो फज़ल को आपस में अपने दरमियान भलाई को न भूलो इलाह बेश्ल तिमा तमलू ना जो कुछ तुम करते हो बसरुन देखने वाला है फिजू हिफाजत करो आल सलावात नमाजों की व सलातिल सलाद ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज की वक़ुम और तुम खड़े हो जाओ लाही अल्लाह के सामने कानितीन आजजी करते हुए फुम फिर अगर तुमको खौफ हो फरी तो खड़े खड़े नमाज पढ़ लो फरीजालन रजुल से यह लफज़ है टांगों के ऊपर खड़ा होना औ रुकबाना या सवारी के ऊपर सवार नमाज पढ़ लो फ़ इजा अमीन तुम फिर जब तुम अमन में आ जाओ फज कर तो अल्लाह को याद करो कमा कुम जैसे अल्लाह ने तुम्हें तालीम दी है उन चीज़ों की लम तक तालमून जिनको तुम पहले नहीं जानते थे ये इन आयत का तर्जुमा है जो मैंने आपके सामने तिलावत की है निकाह के तलाक़ के इद्दत के और महर के मसाइल का बयान अल्लाह ताला इन आयत में बयान फरमा रहे हैं पहले भी आपके सामने कई चीज़ें सामने आईं। अब अल्लाह ताला उस औरत का ज़िक्र कर रहे हैं जिसके साथ निकाह हुआ है और रुखसती से पहले तलाक हो गई है और निकाह के वक़्त महर भी मुकर नहीं किया गया रुखसती से पहले तलाक़ भी हो गई और हक महर भी मुकर नहीं है तो उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने यह बात इरशाद फरमाई अलैकुम तुम पर कोई गुना नहीं है इन तलक तुम्नसा अगर तुम औरतों को तलाक दे दो मालम तमसुन उस ज़माने में जिस ज़माने में तुमने उनको छुआ नहीं है अव तफरीजोलह नफ़रीजो या तुमने उनके लिए हक महर मुत नहीं किया यानी ऐसी औरत कि तुमने उसके साथ निकाह किया और रुख्सती से पहले तुमने तलाक दे दी और जब निकाह हुआ तो उस वक़्त हक महर भी मुतिन नहीं किया और ये मसला मैं पहले आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ कि निकाह के वक़्त अगर हक महर का तजकरा न किया जाए तो निकाह हो जाता है और हक महर भी देना लाजमी हो जाता है मियाँ बीवी आपस में ख़ुद तय कर लें बेशक बाद में तय कर लें और अगर तय करने में झगड़ा हो जाए बीवी ज़्यादा मांगे शोहर थोड़ा दे तो फिर महर मिसल वाजिब हो जाता है उसका तस्करा मैंने आपके सामने पिछले सबक में अर्ज कर दिया कि औरत के ख़ानदान में देखा जाएगा कि उसकी माँ का निका हुआ है तो हक कितना था उसकी खाला की शादी हुई है तो हक कितना था उसकी बहनों की शादी हुई है तो हक कितना था औरत तो के ख़ानदान में औरतों को देखा जाएगा जिनके निका हुए जितना हक उनका था उसके करीब करीब इसको भी मिलेगा क्योंकि निका के लिए हक भी ज़रूरी है मगर ऐसी औरत जिसके निकाह में हक का तज़किरा नहीं हुआ और रुखसती से पहले तलाक भी होगी तो उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह का हुक्म ये है वो मत उनको फ़ायदा पहुँचाओ तुम उनको फ़ायदा पहुँचाओ अर मर्दो तुम उनको फ़ायदा पहुँचाओ और फ़ायदा कैसे पहुँचाना है तुम उनको एक जोड़ा कपड़ों का दो एक जोड़ा कपड़ों का दो यह है मुतातुन निका। तलाक के बाद यह शरीयत का जबता है कि आप उस औरत को यह चीज पेश करो इसे मुतातुन निका कहते हैं वह मत तय ना यहां यही मुतामुराद है फायदा पहुंचाना और वो फायदा किस तरह से है उनको कपड़ों का जोड़ा दो अगर हक महर है उसका तस्करा आगे आ रहा है मैं इन शाह अर्ज करता हूं एक मुता राफजियों का है ये मैं वाज तौर पर बात अर्ज कर रहा हूं ताकि किसी के जहन के अंदर कोई शुबा कोई इबहम बाकी ना रहे कि एक मुता तो वो होता है जो हमने सुना है और यहां किसी और मुता की बात हो रही है कपड़े देने की बात हो रही है यह बात याद रखें एक है मुतातुन निकाह जिसका इस आयत में तस्करा है और यहाँ मसला ये है कि औरत ऐसी है जिसका हक महारत नहीं था और वो अपने शोहर के पास भी नहीं गई निका हुआ निका के बाद तलाक हो गई तो अब इस औरत के ज़िम्मे कुछ हुकूक हैं जो मर्द ने अदा करने हैं उन हुकूक का यहाँ पे तस्करा हो रहा है इसको कहा जाता है निका और एक है मुता मुतातुल हज जिसको तमत्तो भी कहा जाता है किताबुल हज के अंदर जिन्होंने फिका की किताबें खोली हैं उनको पता है या जिन्होंने उर्दू में भी कुछ किताबें पढ़ी होंगी उनको भी पता होगा कि वहाँ तमत्तो का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं मुतातुल हज के उम्रे का एहराम बांधा और उमरे से फारिग होने के बाद हज का हराम बांध लिया सफ़र एक ही है उम्र भी हो गया और हज भी उसी में कर लिया एक सफ़र में दो फायदे हासिल किए वरना दो दफ़ा सफ़र करना पड़ता है एक दफ़ा उम्र का एक दफ़ा हज का ठीक है तो सफ़र एक किया काम दो किए उम्र भी कर लिया हज भी कर लिया हज का मौसम था पहले उम्र किया उसके बाद हज कर लिया लेकिन हज की नीयत से सफ़र नहीं किया इरादा यही था कि हम वहाँ जाके के उम्रा करेंगे उम्र किया उम्र के बाद हज का मौसम हो गया तो कहा जी हज भी कर लेते हैं तो हज भी कर लिया अब इस आदमी के ज़िम्मा एक क़ुरबानी देना होती है इस आदमी ने एक जानवर ज़िबा करना होता है उसको कहते हैं मुतातुल हज कि ए अल्लाह आपका शुक्र है इसे दमे शुक्र भी कहते हैं एल्ला आपका शुक्र है कि आपने हमें एक सफ़र में दोनों काम करवा दिए तो शुक्र अदा करते हुए कुर्बानी दी जाती है यह है मुतातुल हज कि हज में आपने नफ़ा हासिल किया है एक सफ़र में आपने दो काम कर लिए और एक है मुता जिसका हमारे माशरे के अंदर रिवाज है राफ़ियों के यहाँ शियों के यहाँ कि कोई मर्द किसी औरत से मकर्र वक़्त के लिए मिसाल के तौर पर घंटा दो घंटे के लिए एक दिन एक रात के लिए एक साल के लिए बग़ैर गवाहों के बग़ैर गवाहों के रकम मुतन करके पैसों के इवज़ जो भी दोनों में रकम तय हो जाए निकाह कर लें इसको मुता कहते हैं ये आज के जमाने में मुता चलता है और मुसलमानों के यहाँ नहीं चलता काफिरों के यहां चलता है ये मैं वाज तौर पर बात कह रहा हूं किसी भी औरत को मुतयन करके रकम के इवज में इतने पैसे तुम्हें देंगे इतने वक्त के लिए तुम मेरे निकाह में आ जाओ घंटे के लिए दो घंटे के लिए साल के लिए एक महीने के लिए एक दिन के लिए एक रात के लिए और गवाह भी उसमें ना हो ऐलान भी ना हो कुछ भी ना हो इसे मुता कहा जाता है और ये असल में जमाने जाहिलियत में जो निकाहों की सूरतें थीं, मुख्तलिफ किस्म की उन्हीं में से एक ये सूरत है मुसलमानों के यहाँ यह जायज़ नहीं है अहले इस्लाम के यहाँ यह जायज़ नहीं है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने विदा के मौके पे वाजे तौर पर अलान फरमाया हराम उन इलायल़याम के क्यामत तक के लिए ये निकाह हराम है पहले ज़माने जाहिलियत में चीज़ें चलती थी इस्लाम में अब इसकी गुंजाइश नहीं है और मैं इरादा तो नहीं था कि मैं इसके ऊपर तफ़ील के साथ बाहस करता जो मुता सहाबाई सहाबिराम के दरमियान राइज था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी इजाज़त दी थी चंद मौा के ऊपर वो मुता और आज हमारे माशरे में राइज मता इनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इसलिए कोई हज़रत अब्बास वाली हदीस बयान करे कि हज़रत अब्बास मुता के कायल थे पहली बात ये कि वो पहले की रिवायात हैं बाद की नहीं हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम अलायमिल्कयामा के इरशाद फरमा दिए तो बात ख़त्म हो गई उसके बाद हजरत अब्बास रजी अल्लाह ने ये काम किया हो तो इस पर दलील लेके आओ और फिर दूसरी बात जिस मुताके हज़रत अब्बास कायल थे किसी ज़माने में क्योंकि उन्होंने जाहलीत का ज़माना भी पाया है बाद में मुसलमान हुए हैं तो जिसके हजरत अब्बास कायल थे वो फिर भी ये मुता नहीं था कि उसमें आप बगैर गवाहों के रकम के इवज घंटे दो घंटे के लिए किसी भी औरत को पकड़ के अपने कमरे में ले जाएं वो फिर भी ये नहीं था उसमें निकाह भी होता था गवाह भी होते थे और इजाफी सूरत ये थी कि एक वक़्त तक के लिए वो निकाह होता था उसके बाद तलाक देने की जरूरत नहीं पड़ती थी वो तलाक खुद ब खुद हो जाती थी वक्त के गुजरने के साथ साथ लेकिन वो मुताबिक शरीयत के अंदर हराम है समझ आ गई तो इसके साथ इसका तो जवाज ही पैदा नहीं होता जो आज हमारे माशरे में चल रहा है इस्लाम ने इसको ख़त्म कर दिया लेकिन राफजियों के यहाँ आज भी ये जारी है और ये इसलिए जारी है कि उनके बड़े ये काम करते थे चूंकि ये मज़हब ईरान से आया है तो ईरानियों ईरानियों का जो पुराना सिलसिला है वो सासानियों से चलता है और सासानियों के यहाँ जो आतिश परस थे जो आतिश परस कौम थी फारिस में रहने वाले उनके यहाँ ये रिवाज चलता था कि वो दो निकाह किया करते थे एक को उन्होंने लोगों के लिए रखा हुआ था कि जो भी मेहमान आए उसके सामने उसको पेश कर दें और एक उनकी अपनी हलाल बीवी समझ लें तो ये चूंकि उन्हीं की नस्ल है तो इसलिए उन्हीं के यहाँ से ये चीज़ें इनको मिली हैं इस्लाम का इसके बारे में बिल्कुल वाज मौक़ है हरामो निलाईओ मिलकयाम इसलिए मुसलमानों के यहाँ मुता का कोई तसवुर नहीं है अलबत् काफिरों के यहाँ है उसकी हम बात नहीं करते समझ आ गई और उसके फिर बड़े फ़जाइल भी बयान किए जाते हैं मैं अगर बात गलत कहूँ आप किताब खोल के देख लें मन किताब का नाम है किताब को खोलें जो आदमी एक मरतबा मत करे उसको हजरत इमाम हुसैन का दर्जा मिलता है किताब खोल के देख लें जो दो मरतबा करे उसको हजरत हसन अलमजबा का दर्जा मिलता है जो तीन मरतबा करे उसको सयदना अलीतज़ा का दर्जा मिलता है और जो चार मरतबा मुता करे उसे सयदना महम्मदरसूल्ला का दर्जा मिलता है किताब खोल के देख लें अगर जिना से ये दर्जात मिलते हैं तो फिर कंजर इस जमाने के सबसे बड़े वलीउल्लाह होने चाहिए थे समझ आ रही है मेरी बात इसलिए मुसलमानों के यहां ये चीजें नहीं हैं हराम को हलाल कहना हलाल को हराम कहना इससे इंसान काफिर हो जाता है बाकी सारी चीजें छोड़ दें कि उनके क्या क्या मसाइल हैं हराम को हलाल कहना हराम को हलाल कह देना यानी शरीयत के हुक्म को बदल देना इंसान काफिर हो जाता है तो इसलिए मैंने कहा कि काफिरों के यहाँ ये जायज़ है मुसलमानों के यहाँ नहीं है फिर एक किताब का नाम दिया दूसरी भी आप खोल के देख लें बुरहानमता इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया झूठी नस्बत है उनकी तरफ उन्होंने नहीं फरमाया लेकिन कहते हैं जो शख्स मुता करे फिर उसके बाद गसल जनाबत करे पानी के हर कतरे से जो उसके बदन से गिरता है अल्लाह ताला सत्तर, सत्तर फरिश्ते पैदा करते हैं जो उस मुता करने वाले के लिए कयामत तक मगफरत की दुआ मांगते रहते हैं ये फजाइल लिखे हैं इसलिए मैंने कोई हवाई बात आपके सामने नहीं अर्ज की इसका माशरे के अंदर कॉन्सेप्ट मौजूद है वजूद है लोग इसके कायल हैं हमारे इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है तो यहाँ वमती हन्ना से कोई वो वर मुता मुराद न ले ले कि अल्लाह ने मुता का हुक्म दिया है होते हैं ना पागल किस्म के लोग जिस तरह किसी ने कहा कि भई तुम नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते तो उसने कहा भी कुरान कहता है नमाज ना पढ़ो। भी कुरान कैसे कहता है उन्होंने कहा ला तरब सलात नमाज़ के करीब ना जाओ क़ुरान की आयत है कि नहीं है ला तक रबोलात नमाज के करीब ना जाओ तो कहता है मैं इसीलिए नमाज के करीब नहीं जाता हालांकि उस बेवकूफ से कोई कहे कि आगे भी पढ़ो जब नशे की हालत में हो तब नमाज के करीब ना जाओ लेकिन वो क्या कहता है कि बस मुझे एक बात समझ में आ गई कुरान कहता है नमाज नहीं पढ़नी तो मैंने नहीं पढ़नी तो आगे पीछे से सारी चीजें खत्म करके तस्करा किस चीज का चल रहा है समझाया क्या जा रहा है बात कौन सी हो रही है और मुफसरीन ने यहाँ पर क्या लिखा है सब कुछ छोड़ छोड़ के वह मत त्यूहना देखो साबित है अल्लाह ने कहा है वह मुता किया करो इसलिए मैंने ये वजाहत आपके सामने अर्ज़ की है कि यहाँ उस मुता का तस्करा नहीं है जो माशरे में चल रहा है ये मुता और है जिसे मुतातुन निकाह कहा जाता है ये है तलाक के बाद किसी औरत को फ़ायदा पहुँचाना अगर उसका हक महर मुकरर है तो उसको हक महर भी देना पड़ता है और साथ उसको कपड़े भी देने होते हैं यह मुस्तहब है और अगर हक महर मुतन नहीं है तो फिर जोड़ा देना वाजिब होता है ये आपने मसला जेन में रखना है अगर हक महर मुत है और अदा भी किया है आधा दिया है या पूरा दिया है जैसे भी दिया है तो फिर ये कपड़े देना मुस्तहब है और अगर हक महर नहीं दिया बिल्कुल भी नहीं दिया तय भी नहीं किया तो फिर ये कपड़े देना वाजिब है इस मकाम पर मतीू हना में इसी का तस्करा है कि तुम तलाक के बाद औरतों को कपड़े दो और वो कपड़े कैसे देने हैं? हैंसे कदारू वसात वाले पर उसकी हैसियत के मुताबिक कपड़े देना है मालदार आदमी है तो ब्रांड के कपड़े देगा वह आलमुखरी कदारोहू और फ़कीर और तंग दस्त है तो उसके अंदाज़े के मुताबिक कपड़े होंगे जाहिर बात है कि घरों में औरतें जो लिबास पहनती हैं तो मालदारों के घरों में मालदारों वाले लिबास इस्तेमाल होते हैं दरमियाने घरों में दरमियाने दर्जे के लिबास इस्तेमाल होते हैं गरीबों के घरों में गरीबों वाला लिबास चलता है तो जिसकी जो हैसियत है उसी के मुताबिक ख़ुराक का और उसी के मुताबिक लिबास का बंदोबस्त करना है लिहाजा अमीर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक ब्रेंड के कपड़े देगा और गरीब आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक हल्का फुल्का जोड़ा देगा मताम बिल मारूफ और ये जो आपने चीज़ें देनी हैं ये खंदा पेशानी से देनी है उमदगी के साथ देनी है माथे पर बल ना पड़े इसलिए कि आलल आलमोहसिन अल्लाह ताला ने नेक लोगों के ऊपर ये चीज़ लाजिम की है जब अल्लाह ने तुम्हें यह हुक्म दिया है तो तुम कौन होते हो माथे के ऊपर बल लाकर देने वाले और कौन होते हो एहसान जत लाने वाले Allah का हुक्म है इसलिए दो और यह भी इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया कि तलाक के मामलात होते हैं तो इंसान को गुस्सा आ जाता है मामलात बहुत बिगड़ जाते हैं खैर मैं इंशाल्लाह ये यह बातें भी आपके सामने अर्ज करता हूं तो अल्लाह ताला ने जो बात इरशाद फरमाई वो ये व इन तलक तुम हन्ना अगर तुमने तलाक दे दी औरतों को मिन कबल अन तमसुन्ना अभी तुमने उनको हाथ नहीं लगाया छुआ नहीं है वक़द फरीदा और तुम उनके लिए हक महर भी मुतयन कर चुके हो उनके लिए हक महर भी मुतयन कर चुके हो फोज तुम फिर जब तलाक हो गई तो अब आधा हक महर है जो तुमने अदा करना है मिसाल के तौर पर निका हो गया मैं मिसाल अर्ज कर रहा हूं निका के मौके पर हक महर मुकर हुआ एक लाख ठीक है एक लाख रुपए हक मुकरर हुआ और तरीका यही है अब भी ऐसे ही होता है और ऐसे ही करना चाहिए पहले भी ऐसे ही था कि महर उसी वक्त दे देते थे जब निकाह हो रहा हो जब निकाह हो रहा है तो औरत को हक माहर दे दो और वो औरत के वारिसों और मुतवलियों को जो वली होते थे उनको दे दिया जाता था उन्होंने आगे औरत को दे दिया लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई लेकिन ऐसी सूरत पेश आ गई कि तलाक हो गई तो अब सिर्फ निकाह हुआ है ना नफसे निकाह के साथ आधा महर औरत का है और आधा उसको वापस करना पड़ेगा क्योंकि आपस में वो मिले नहीं है नफा हासिल नहीं किया सिर्फ निकाह हुआ निकाह के बाद तलाक हो गई और हक महर अदा किया जा चुका है अब आधा हक महर औरत वापिस कर दे आधा इसलिए नहीं करेगी क्योंकि निकाह हुआ था ठीक है और आधा जो वापिस किया है वो इसलिए वापिस किया है कि रुखसती नहीं हुई अभी रुखसती नहीं हुई और ये सूरत पेश आ गई इल्ला याफूना मगर वो औरतें बाकी आधा भी माफ कर दें तो ये सबसे बेहतरीन है सारा ही माफ़ कर दें आधा तो देना ही देना है ना अगर बाकी आधा भी माफ़ कर दें तो ये सबसे बेहतरीन बात है औ याफू वल्ल बी और खुद या वो आदमी माफ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है जिसने ये निकाह की गिरा बांधी और तोड़ी है ना वो मर्द जो तलाक देने वाला है या निकाह करने वाला है जिसके हाथ में गिरा थी वो अगर कह दे कि भाई मैं वापस नहीं लेता ठीक है तुम्हें दे दिया जो दे दिया तो वो माफ़ करना चाहे तो तब भी ठीक है फिर औरत के ज़िम्मे कोई चीज़ लाजिम नहीं जो ले लिया बस ले लिया तो ये भी जायज़ है फिर अल्लाह ताला ने मर्दों को मुखातिब करते हुए फरमाया वु ऐ मर्दो अगर तुम माफ़ कर दो अक्रबल तकवा तो ये तकवा के बहुत ज्यादा करीब है तकवा का तकाजा यही है कि जब तुमने एक चीज अदा कर दी है तो उसे वापस ना लो वला तबई न कुम और तुम आपस में फजल को ना भूलो अच्छाई को ना भूलो एक दूसरे के दरमियान ये मामलात करते हुए यानी तलाक की वजह से आपस में मेहरबानी को ना भूलो मतलब ये है कि अमूमी तौर पर झगड़े होते हैं झगड़ों के बाद तलाक हो जाती है कोई ख़ुशी के साथ तो तलाक नहीं देता ना कि औरत को गोद में बिठा के उसको बड़े अच्छे अंदाज़ में कहे जाओ मैंने तुम्हें तलाक दी ऐसे तो कोई भी नहीं देता झगड़ा होता है दिलों में कीना होता है बुग्ज़ होता है हसद होता है ग़ुस्से में इंसान आता है तो फिर ये मामला होते हैं तो अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम गुस्से के वक़्त में भी ये काम कर रहे हो ना तो अल्लाह के हुक्म को ना भूलो वला तनसवुलफजलबी बैनकुम मेहरबानी को ना भूलना ये जो अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है ना कि उनको लिबास दो जोड़ा दो उनको हक महर दो अगर नहीं दिया ये इसलिए है कि खंदा पेशानी के साथ जाओ ठीक है हम दोनों मुसलमान हैं एक मामला हुआ था बस ख़त्म हो गया तो एक दूसरे के दिल में कोई बात ना रहेगी के साथ उसको एक तोहफ़ा पेश कर दो मदगी के साथ उसकी खिदमत में एक चीज़ पेश कर दो ताकि मामला अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए और मुसलमानों के दरमियान एक दूसरे के दिलों के अंदर बुग्ज़ और कीना ये चीजें बाकी ना रहें इसलिए अल्लाह ताला ने ये अहकाम दिए हैं वो हमारे हिंदुस्तान में एक बादशाह गुजरा है ना बहादुर शाह जफर जिसका नाम है शायर था मुगलिया ख़ानदान का आखिरी हुक्मरान बहादुर शाह जफ़र वो शायर भी था उसका एक शेर है कहने लगे जफर आदमी उसको न जानिएगा हो वो कितना ही साहिब फ़हम व ज़क़ा उसको आदमी ना समझना कि जो आदमी आपके सामने फहम व फ़िरासत की बातें करता है जहानत की गुफ्तगू करता है उसको आदमी ना समझना ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा हो वो कितना ही साहिब फ़हम हो जिसे तैश में याद खुदा न रही जिसे आयश में खौफ खुदा न रहा जिसे आयश में याद खुदा न रही जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा मुझे मस्तियाँ कर रहा है तो अल्लाह को भूल गया वो भी भला कोई आदमी है ग़ुस्सा आया तो ख़ुदा का खौफ दिल से निकल गया वो भी भला कोई आदमी है इसलिए हर हाल में अल्लाह से डरो वाला तनसबुलफ़ल बेनकुम आपस में फजल को भलाई को उमदगी को ना भूलो अच्छाई से रहो जो अल्लाह ताला ने तहकामा दिए हैं उनके मुताबिक अमल करो इन बेशक अल्लाह ताला तमा तमलुन बसीर जो आमाल तुम करते हो उन्हें देख रहा है इन अल्लाह बेशक अल्लाह तमा तम बशीर जो आमाल तुम करते हो उन्हें देख रहा है अब यहाँ तक अल्लाह ताला ने निकाह के तलाक के इद्दत के मसाइल बयान किए अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्हीं चीज़ों में ना उलझ जाना बल्कि नमाजों का भी ख्याल रखना इन्हीं चीज़ों में ना उलझे रहना नमाज़ों का भी ख्याल रखना हाफिज़ूल व वसला वस्ता हिफाजत करो नमाजों की उमूमन लोग निकाह के मौके पे नमाज की परवाह नहीं करते तो अल्लाह ने निकाह के मसाइल बयान किए हैं तलाक़ के मसाइल बयान किए हैं तो साथ साथ नमाज को भी अल्लाह ने जोड़ा है तलाक़ के मसले पर भी लोग तैश में आते हैं झगड़ा करते हैं तो नमाज नहीं पढ़ते और भी कई मकामात हैं जिनमें नमाज की परवाह नहीं की जाती तो अल्लाह ताली फरमाते हैं अपने मसाइल में ही ना उलझे रहना ज़रा मेरे हुकूक का भी ख्याल रखना हाफिज़ु आल सलावात, नमाज़ों की हिफाजत करना ख़ुशी में भी निकाह हो रहा है तब भी निका निका में भी नमाज की हिफाज़त करना और अगर कभी कोई झगड़ा हो रहा है तलाक हो गई है तो फिर भी नमाजों का ख्याल रखना व सौला ख़ास तौर पर दरमिया नमाज का ख्याल रखना दरमियानी नमाज कौन सी है असर की नमाज अभी होने वाली है वह सौला वस्ता और नमाज असर का ख्याल रखना ख़ास तौर पर गजवा खंदक का मौका था बड़ी जोर के साथ लड़ाई जारी थी मसरूफ़ीत थी दुश्मन हमला आवर थे तो ज़ाहिर है फिर आगे से जवाब तो देना था ना मसरूफ़ीत थी नबी करीम अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज़ न पढ़ सके ज़ोहर भी चली गई असर भी चली गई मगरिब की नमाज भी कज़ा हो गई फिर अंधेरा छाया तो फिर काफिरों को थोड़ा होश आया और उन्होंने हथियार नीचे डाले कि अब रात हो गई है अब सुबह देखेंगे उस मौके पर नबी करीम सल्ह वसम ने फ़रमाया मलअल्लाम वह न शाहूना आने सोलाती सला तिलबस्ती इन काफिरों की खबरों को और उनके घरों को आग के शोलों से भर दे इन्होंने हमारी नमाजें क़ा करा दी अल्लाह इनकी खबरों को और इनके भूयूत घरों को आग के शोलों से भर दे इन्होंने हमारी नमाजें क़़ा करा दी खास तौर पर असला तिलवस्ती असर की नमाज तमाम नमाजों का बड़ा दर्जा है लेकिन असर की नमाज के बारे में अल्ला के नबी सल ने हदी से पाक फरमाई मन फात सबी सन फातः हूँ जिसकी असर की नमाज फोत हो गई रह गई तो इस तरह समझो कि उसके घर के सारे अफराद मर गए उसके घर का सारा माल लूट लिया गया सारे अफराद भी मर गए सारा माल भी लूट लिया गया अब उस घर के अंदर क्या बचा इससे अंदाज़ा लगाएं इंसान ज़रा थोड़ा सा सोचे कि घर के अफराद में से कोई एक आदमी अगर फौत हो जाए जिंदा ना रहे तो कितना सदमा होता है एक आदमी अगर मर जाए तो लोग सदमे की वजह से बेहोश हो जाते हैं मरने के करीब आ जाते हैं रो रो के बुरा हाल हो जाता है और सारा घर लूट लिया जाए तो कितना सदमा होता है कितनी परेशानी होती है तो आसर की नमाज फोत हो जाने का नुकसान इससे भी ज्यादा है अभी तो एक बंदा मरा है ना सारे ही मर जाएं, कुछ भी घर में बाकी ना रहे खाली कर दिया जाए तो वो नुकसान फिर भी काबिल बर्दाश्त है ये नुकसान उससे भी ज्यादा है क्या सर की नमाज़ आपकी फोत होगी क़़ा हो गई वकोमो लाख कानी इसलिए आजजी के साथ अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ और नमाज़ें पढ़ा करो आजिज़ी इख्तियार करते हुए अल्लाह के सामने खड़े हुआ करो ज़ाहरी आजिज़ी भी होनी चाहिए और बातनी आजिज़ी भी होनी चाहिए ज़ाहरी आजजी ये है कि जब आदमी नमाज़ में खड़ा हो तो निका सजदे के मकाम पर हो नज़रें झुका के रखे सजदे के मकाम पर देखे इधर उधर ना देखे हाथ सुन्नत के मुताबिक बांधे, मर्दों ने नाफ़ के नीचे बांधने हैं औरतों ने सीने के ऊपर बांधने हैं जिसका जो जो तरीका है उसके मुताबिक नाफ़ के नीचे या सीने के ऊपर हाथ बांधें यह औरतों का तरीक़ा है मरदों का नहीं है सीने हाथ पर हाथ बांधना वाज तौर पर यह बात है इसलिए के सीने पर हाथ बांधना मर्दों का ये मुसलमानों वाली नमाज नहीं है यहूदियों की नमाज है और इस पर मेरा फतवा नहीं है ओलामा हरामैन का फतवा है मेरा फतवा नहीं है ओलामा हरमैन का फतवा है मस्जिद नबवी में बैठने वाले ओलामा अगर वो ये फतवा देते हैं तो मुझे बयान करने में कोई झिझक नहीं है समझ आ रही जिन हनाबिला के बारे में आप कहते हैं कि वो सीने पर हाथ बांधते हैं वो सीने पर हाथ नहीं बांधते नाव के ऊपर बांधते हैं असल मसला नाफ के नीचे और नाफ के ऊपर का है सीने पर मर्द हाथ नमाज में हाथ बांधे इसकी कोई रिवायत मौजूद नहीं है या तो वो औरतों की नमाज है या यहूदियों की नमाज है ये हरमैन का फतवा है मेरा नहीं है किसी को इस पर दलील चाहिए हो या इसका सबूत चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ इसलिए सुन्नत के मुताबिक हाथ बांधें और फिर आजज़ी इख्तियार करें कानी तीन ऐसा ना हो कभी दुबट्टा सीधा हो रहा है कभी बाजू नीचे हो रहे हैं कभी कमीज़ को सेट किया जा रहा है कभी शलवार को ऊपर नीचे किया जा रहा है और मर्दों की दाढ़ी है तो दाढ़ी के साथ खेल रहे हैं कभी कानों में उंगलियां डाल रही हैं कभी नाक में उंगलियां डाल रही हैं कभी मुंह से कुछ निकाला जा रहा है कभी किसी जगह पे खारिश हो रही है और कभी किसी जगह पे मजबूरी हो तो अलग मसला है लेकिन इसकी आदत बना लेना और ऐसे ही नमाज में करना ये खुशू के ख़िलाफ़ है कोम लानी तीन आजजी के ख़िलाफ़ है आजजी इख्तियार करनी है तो अपने आप को दुरुस्त करके खड़े रहो जाहरी आजजी है इंसान देखने में लगे कि किसी बड़े के सामने सर झुका के खड़ा है नजर आनी चाहिए इंसान की आजजी और बातिनी आजजी क्या है नमाज में पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ हो अंताबल्ला का तराहू अल्लाह को आप अपनी आंखों के साथ देख रहे हैं यूं नमाज पढ़ें अल्लाह हमारे साथ हैं अल्लाह हमारे सामने है साथ नहीं सामने हैं और अगर ये दर्जा हासिल नहीं होता फ इम तकन तराहू फू या रा फिर ये समझ लो कि अल्लाह मुझे देख रहा है जब वो आपको देख रहा है तो अपनी हरकतें ठीक करो अपनी हरकतें ठीक करो बड़ा आपको देख रहा हो और आप कभी कान में उंगली डाली है कभी नाक में डाली है कभी खारिश हो रही है कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है तो ये हरकतें बड़ा बर्दाश्त करता है इनखिफ तुम फिर अगर तुम्हें खौफ है फरी जालन तो खड़े खड़े नमाज पढ़ लो अगर कोई खौफ का मसला है कोई डर है फरी जालन तो खड़े खड़े नमाज पढ़ लो इमाम बुखारी रहमुल्ला ने फरी जालन का तर्जुमा पाऊँ पर खड़े खड़े किया है जो मेरा तर्जुमा है हजरत इमाम बुखारी रहमुल्ला का है यही माना हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्ला ने भी बयान किया कि अगर खतरा है खौफ है रुकू और सुजूद नहीं कर सकते तो खड़े खड़े नमाज पढ़ लो हजरत इमाम शाफी रहमुल्ला ने इसका माना बयान किया दौड़ते दौड़ते नमाज पढ़ लो तो टांग वहां भी इस्तेमाल होती है असल ये रिजिल से लफज है रिजिल टांग को कहते हैं दौड़ते दौड़ते नमाज पढ़ लो अव रुकबाना या सवारी पर सवार हो तो सवारी के ऊपर नमाज पढ़ लो मिसाल के तौर पर दुश्मन पीछे की तरफ से दौड़ता हुआ आ रहा है तुम आगे जंगी जंग, जंग की हमत अमली के तहत आगे आगे दौड़ते चले जा रहे हो भाग रहे हो तो इशारे के साथ नमाज पढ़ लो या शेर तुम्हारे पीछे लगा हुआ है तुम अपने आप को बचाने के लिए आगे आगे भाग रहे हो नमाज का वक़्त हो गया तो किसी नमाज तो किसी हालत में भी माफ़ नहीं है ना तो तुम दौड़ते दौड़ते इशारे के साथ नमाज़ पढ़ लो पीछे से पानी का रेला आ रहा है सैलाब आ रहा है तुम आगे भाग रहे हो तो नमाज की तब भी माफी नहीं है इशारों के साथ नमाज पढ़ लो दौड़ते दौड़ते पढ़ लो खड़े खड़े पढ़ लो या तुम अपनी सवारी पर सवार हो तो सवारी के ऊपर नमाज पढ़ लो घोड़े के ऊपर भागते चले जा रहे हो मैदान जंग में हो तो उसके ऊपर नमाज पढ़ लो और यह बात याद रखें अगर कोई आदमी सूली के ऊपर लटका हुआ हो हाथों में कीले ठोक दी जाए उसके खून के फवारे निकल रहे हों नमाज इस हालत में भी माफ़ नहीं है अगर जो वज़ू भी ना हो तो यमुम भी नहीं कर सकता फिर भी पढ़नी है फिर भी पढ़नी है इस नीयत के साथ अगर बच गया तो दोबारा पढ़ूंगा वज़ू करके पढ़ूंगा तो करके पढ़ूंगा अभी मैं इशारा कर लेता हूं बाद में दोबारा पढ़ूंगा तो किसी हाल में भी नमाज माफ़ नहीं है यही मसला औरतों के बारे में होता है कि अगर किसी औरत के यहाँ बच्चे की विलादत हो रही है बच्चे की विलादत हो रही है बच्चा अभी मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आया सर बाहर निकला है तो फो कहा कि सराहत मौजूद है कि इस हालत में भी औरत नमाज का वक़्त हो रहा है नमाज का वक्त जा रहा है औरत के ज़िम्मे नमाज लाजिम है ये माना नहीं है कि उसी वक़्त खड़ी हो जाए और बच्चा नीचे गिर जाए नहीं तरतीब है उसकी उस वक़्त इशारा कर सकती है तो इशारे से पढ़ ले क्योंकि अभी निफास जारी नहीं हुआ निफास का खून तब जारी होता है जब बच्चे की विलादत मुकम्मल हो जाए फिर नमाजें माफ़ होती हैं उससे पहले तो उसने नमाज पढ़नी है तो जो वक़्त उसका गुजर गया है उसमें अगर उसने नमाज नहीं पढ़ी तकलीफ़ की वजह से तो वो उसने बाद में पढ़नी है मसाइल को समझा भी जाता है ना ये नहीं कि उसी वक़्त खड़े होकर अल्लाह अकबर शुरू कर दे खड़ी नहीं हो सकती बैठी बैठी पढ़ ले बैठ के नहीं पढ़ सकती इशारे से पढ़ ले, लेटी लेटी पढ़ ले, लेकिन अगर कुछ भी नहीं कर सकती तो इस वक्त की नमाज जो गुजर रही है ये इसके जिम्मे लाजिम है इसने दुरुस्त हो जाने के बाद निफास का खून खत्म हो जाने के बाद इस नमाज को दोबारा पढ़ना है समझ गए तो आज लोगों ने नमाज को कुछ समझा ही नहीं है ख़ास तौर पर ख़ुतान नमाजों में बहुत लापरवाही करती हैं नाक में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें डाली हुई हैं कोई इनसे पूछे कि जब आप वज़ू करते हो करती हैं तो ये इसको हिलाती हैं कि नहीं हिलाती कि पानी अंदर चले जाए सुराख में पानी डालती हैं क्योंकि ये तो फ़र्ज़ है ना अगर उस सुराख में पानी ना डाला तो वजो नहीं होगा इसलिए मैं ये कहा करता हूँ कि यह काम ना किया करें लेकिन बाज़ इलाकों में हुसन और खूबसूरती की अलामत इसको समझा जाता है इसलिए नाजायज़ होने का फतवा नहीं है लेकिन अगर पहना है तो उसका ख्याल भी रखें कानों में कांटे पहने हैं गसल में वाजिब है कान के सुराख में पानी डालना अगर कान के सुराख में पानी नहीं डाला तो गुसल नहीं हुआ लेकिन इनसे पूछें कि गुसल करते वक्त पानी डाला था कहती पता नहीं गया था कि नहीं गया था तो इस तरह वजू भी नहीं होता गुसल भी नहीं होता और नमाज नहीं होती नील पॉलिश लगी हुई है वजू नहीं होता नमाज भी नहीं होती लंबे लंबे नाखून रखे हुए हैं एक तो उसकी वजह से भी वजू नहीं होता मूमी तौर पर एक तो ये गंदगी नाखनों के अंदर फंसी हुई है तो अंदर वाले मकाम पर नाखन के अंदर जहां गंदगी फंसी हुई है उस जिल पे पानी नहीं जाएगा तो मसला है और ऊपर से हाथ धो लिए नीचे वाला जो उंगली का पोरा है वो खुश्क रह गया तो मसला है धुलने में रुकावट बनता है लेकिन फैशन है चलना है इसलिए सारे काम किए जाते हैं तो ऐसे नमाज नहीं होती वजू ही नहीं होता नमाज क्या होनी इसी तरह औरतों के बाजू बसाओकात औरतें इस किस्म का लिबास पहनती हैं कि बाजू और कोहनियां नंगी होती हैं ऐसे लिबास में औरत की नमाज ही नहीं होती क्योंकि औरत के लिए बाजू कलाई तक ढांपना जरूरी है अगर कलाई से आगे एक उंगली के बराबर भी एक बालिश बराबर भी बालिश तो बहुत बड़ा मैंने कह दिया एक पोरे के बराबर भी बाजू नंगा हुआ तो नमाज नहीं होगी पड़ी हुई नमाजें भी इनकी गर्दन पर हैं इन्होंने दोबारा लौटानी है इसमें खाविंद भी गुनागार है बाप भी गुनागार है जितने बड़े हैं सब गुनागार हैं कि उन्होंने समझाया क्यों नहीं उनका फर्ज था इनको समझाना समझ आई है बात तो इसलिए मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हमने नमाज़ों को समझा ही नहीं है नमाज़ों की शराइत को समझा है इसलिए अपने आप को दुरुस्त करें नमाज़ों का ख़्याल करें हाफिज़ू आलवा अपनी नमाज़ों की हिफाज़त करें अपनी नमाज़ों की हिफाज़त करें अपने आप को दुरुस्त रखें मसाइल को सीखें नमाज की अदायगी को समझें सीखें वज़ू और गुसल के मसाइल को सीखें और समझें गिरफ्त होगी साइंस के केलूम हासिल कर लो इंग्लिश के केलूम हासिल कर लो दुनिया भर के केलूम और फ़नून पढ़ लो गसल के मसाइल न आते हों वज़ू के मसाइल ना आते हों नमाज के वाजिबात का फ़राइज का सुन्नतों का मुस्तहबात का ना पता हो तो गिरफ्त होगी ना इसलिए तो अल्लाह ने दुनिया में नहीं भेजा था कि ये यूनिवर्सिटियों की तालीम और स्कूलों और कॉलेजों और जॉब्स के अंदर वक्त गुजार के वापस आ जाना इसलिए भेजा था दुनिया में इनकार नहीं है इन चीज़ों से लेकिन ये मकसद नहीं है फ़ा अमिन तुम फिर जब अमन हासिल हो जाए पहले तो खौफ का तजकरा था ना फिर अमन आ गया फ़ज़कुरुल्लाह तो अल्लाह को ऐसे याद करो कमाकुम जैसे अल्लाह ने तुम्हें तालीम दी है पहले दौड़ते दौड़ते नमाज पढ़ ली है अब अमन हो गया है उस नमाज को दोबारा पढ़ लो क्योंकि रुकू और सजदा नहीं किया ना इशारे किए थे पहले घोड़े के ऊपर दौड़ते दौड़ते नमाज पढ़ी है अब अमन हो गया है अब दोबारा नमाज पढ़ लो फिर ऐसे नमाज पढ़ो जैसे अल्लाह ने तुम्हें तालीम दी है कि इतमिन के साथ रुकू और सजूद को अदा करो समझ आ गई जैसे अल्लाह ने तुम्हें तालीम दी माँ उन चीज़ों की लम तक तालम जिनको तुम पहले नहीं जानते थे अल्लाह ने तालीमत इर्शाद फरमाई उम्मत को बात समझ में आई तो उम्मत ने वैसे तालीमत को फॉलो करना शुरू कर दिया कबूल कर लिया तो ऐसे ही तुम नमाज़ों का अहतमाम करो अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करो उनके जो मसाइल हैं उनको सीख कर उनके हुकूक की हिफाजत करते हुए रियायत रखते हुए उनको सही माना में अदा करो जैसे अल्लाह ने तुम्हें तालीम दी है वैसे उसको पढ़ो तो दुआ यह है कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की सही अंदाज़ में तफसीर समझने की तोहफी का दे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जो हमें अहकाम दिए हैं हमें सही माना में वह अहकाम अल्लाह ताली समझने की तोफ़ी का ताफरमा दे और फिर अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को भी सही मानों में नमाज़ें बना दे और हमें अपने और अपने घरों की निगरानी करने की भी तोफ़ी फरमाए कि ये हमारे ज़िम्मे लाजिम है व आखिर दावाना अनिलहमदिल्लाबीआलमिन